ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की एलिफेंट फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, अगर आप लोगों को ऐसी फोटो एडिट करनी है यार आप लोगों को कलर करेक्शन है जो वो भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आप लोग क्या होता है कि गाइस कुछ लोग मतलब कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो देख लेते हैं कि आपको पीएनजी वगैरह कैसे लगानी है एंड उसके बाद वहां से वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को ये चीजें नहीं करनी है क्योंकि गाइस जब तक आप कलर करेक्शन का पार्ट नहीं देखोगे गाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन जो होता है हमारी फोटो में सबसे ज्यादा मेन होता है कलर करेक्शन। तो गाइस अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से किया तो गाइस आपकी फोटो जो है नेक्स्ट लेवल लगती है। तो गाइस आप लोग कलर करेक्शन वाला पार्ट जरूर देखना, बाकी गाइस जो भी है प्रोसेस होगा आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। एंड गाइस मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें गाइस मैं आप सभी को सिखाता हूँ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में ग्रो करने के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में एंड गाइस यहां से ऐड करना आपको अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस जो मॉडल है मैंने उसका कटआउट पहले से ही कर रखा है एंड जिसको कटआउट करना नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहे उस वीडियो को वॉच कर लेना आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है गाइस, यहां पे आपको अपने मॉडल को रखने के बाद आप सभी को यहां पे करनी है शेडो क्रिएट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां से जाएंगे ऐड फोटो में, सॉरी गाइस यहां से ऐड फोटो में जाना है हमें, ऐड फोटो में जाएंगे एंड गाइस यहां से ऐड करेंगे हम यहां से एक ब्लैक कलर की पीएनजी। देन गाइस क्या करना है आप सभी को, यहां पे जब ये पीएनजी आ जाएगी तब गाइस आपको ये जो है आपको उसको यहां पे फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद गाइस इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको उसको मूव बैक कर देना है एंड इरेजर टूल में जाकर आपको उसको कर देना है इन्वर्ट। फिर गाइस आपको साइज रखना है कुछ इतना एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है एंड गाइस उसके बाद आपको यहां पे करनी है शेडो क्रिएट, ठीक है। एंड गाइस आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग भी न्यूज़पेपर को पकड़ के ये फोटोज को क्लिक करवाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि यार आप अपनी फोटो एडिट कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, आप जिस तरीके से फोटो क्लिक करना चाहो जिस तरीके का मॉडल रखना चाहो अब वैसा मॉडल यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि गाइस जैसा आपको थंबनेल आपको वीडियो में दिखाए मॉडल वैसे ही आपको रखना हो, आप कुछ अपने तरीके से भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कुछ भी करना एंड गाइस दिखाना कि आप भी कुछ अलग कर रहे हो और अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस जब अगर आप ऐसे करोगे तभी आपको जो है इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रो करने में ज़्यादा टिप्स ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ अलग अलग करने की कोशिश किया करो, ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी शेडो को बनाने के बाद। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कर देना आपको डन, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा से ऐड फोटो में जाकर ये वाला जो पार्टिकुलर पीएनजी आपको उसको ऐड करना है एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन करके उसको रख देना है एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है एंड आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। देन गाइस आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है सिंपली गाइस आपको उसको इरेज कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली इसको डन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी को गाइस यहाँ से इस ऐड फोटो में जाना आपको दोबारा से यहाँ पे एक पीएनजी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसको ये लाइट का पीएनजी, आपको गाइस सिंपली क्या करना है आपको इसका ब्लेंडिंग मोड पहले स्क्रीन करना है। देन गाइस आपको जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देना है, मतलब कि गाइस जो आपकी स्काई का जो इफेक्ट है ना वो आपके बॉडी के ऊपर पड़ रहा है इसलिए दिखाने के लिए मैंने आपको ये पीएनजी लगाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको कुछ अगर आप चाहते हो, अगर गाइस आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपनी क्रीम लाइट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम होता वो भी कर सकते हो जिससे गाइस फोटो उससे भी अच्छी लगती है। फिर आपको ऐड फोटो में जाके आपको गाइस ये विग्नेट का पीएनजी ले लेना सिंपली एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से ऐसे रख लेना है एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो कर देना है डन, ओके। सो गाइस बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ यार इग्नोर करना यार, ठीक है, क्योंकि मेरे घर के आसपास जो यार मतलब काफ़ी लोग रहते हैं ना तो ऐसे यार नॉइज़ आते रहता है, तो गाइस इग्नोर करना। बाकी गाइस बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस आपको जाना लाइट रूम ऐप में जाकर आपको इस लाइट वाला ऑप्शन में आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस हाईलाइट है आपको गाइस इसको थोड़ा सा माइनस करना है, शेडो जो है गाइस इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है, शेडो का हल्का सा 5 तक कुछ एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाइट, आपको सिंपली गाइस जिसका व्हाइट है जो है इसको भी थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो गाइस यहाँ पे ब्लैक है इसको आपको थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है अराउंड 4 तक। फिर आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे कलर्स में जाके आपको उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है, नीचे आपको टेम्परेचर और सबसे ऊपर आपको टेम्परेचर मिलेगा आपको उसको माइनस कर देना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है आपको,
सेचुरेशन को थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस आप चाहो तो अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद जाना आपको येलो कलर में, आप गाइस देखो नीचे आपको ग्रास दिख रही होगी, आपको गाइस चाहो तो उसको चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे गाइस ग्रीन कलर में अगर आपको येलो करना हो ग्रास तो आप ग्रीन येलो कर देना, अगर ग्रीन चाहो तो ग्रीन भी कर सकते हो। फिर आपको गाइस दिखता आपकी बारी आती है स्काई की, तो गाइस अगर आपको स्काई ब्लू करना हो तो आप गाइस ह्यू को माइनस करो एंड सेचुरेशन प्लस करो, बाकी आपकी मर्जी है, आप डार्क भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टोन में, आपको गाइस फोटो की जो है ये क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो थोड़ी सी विग्नेट डाल देना, नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे मिलेगी शार्पनेस, आपको उसको इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, एंड जो नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।